हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 अप्रैल और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के बेहद ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ क्लिक करके आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। हाल ही में सुर्खियों में रहा बेरेशिप स्पेसक्राफ्ट किस देश से संबंधित है? आपको बताना है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बेरेशिट स्पेसक्राफ्ट किस देश से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है इसराइल। इसराइल की जो कैपिटल है वह है जेरूसलम और इसराइल की जो करेंसी है वह है इसराइली न्यू शकेल। अभी इस क्वेश्चन के बारे में कुछ डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। इसराइल का चंद्रमा मिशन असफल हो गया है। हाल ही में इसराइल का बेरेशिट स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, इसलिए जो है काफ़ी चर्चा में ये स्पेसक्राफ्ट रहा है और आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसराइल। इसराइल के बेरेशिप स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की सतह पर लैंड किया जा रहा था, उस समय मुख्य इंजन तथा संचार में खराबी आने के कारण टच डाउन से कुछ ही समय पूर्व स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर गिरकर क्रैश हो गया। इस घटना का जीवंत यानी लाइव प्रसारण हो रहा था इसराइल के टीवी तथा सोशल मीडिया पर। काफी इंपॉर्टेंट ये होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश की जनसंख्या वर्ष 2010 से 2019 के बीच प्रतिवर्ष 1.2% तक बढ़ी है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है भारत यानी इंडिया। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत देश की जनसंख्या वर्ष 2010 से 2019 के बीच प्रतिवर्ष 1.2% तक बढ़ी है। इस बढ़ोतरी के कारण देश की जनसंख्या की औसत वार्षिक दर से बढ़कर 1.36 अरब हो गई है। काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि भारत यानी अपने देश से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहाड़ी बया चिड़िया के संरक्षण के लिए विश्व का पहला बया प्रजनन केंद्र बनेगा? काफी इंपॉर्टेंट होगा। विश्व का सबसे पहला जो है प्रजनन केंद्र बनेगा पहाड़ी चिड़िया के लिए, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है मेरठ। उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा हस्तिनापुर यानी मेरठ में पहाड़ी बया चिड़िया के संरक्षण के लिए विश्व का पहला बया प्रजनन केंद्र बनेगा, जिसकी जिम्मेदारी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। निम्न में से किसने हाल ही में प्रचार करने के लिए योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन पर 72 घंटे और मायावती पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने हाल ही में प्रचार करने के लिए योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे तथा मायावती पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया है। काफी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की ग्राहकों की संख्या कितने वर्ष में 30 करोड़ से अधिक हो गई है? आपको बताना है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या कितने वर्षों में 30 करोड़ से अधिक हो गई है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा क्योंकि यहां पे पिछले 2.5 वर्षों में, सिर्फ 2.5 वर्षों में 30 करोड़ से अधिक लोगों को जोड़ लिया है मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की कंपनी ने। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या 2.5 वर्ष में 30 करोड़ से अधिक हो गई है। साथ ही रिलायंस जियो दुनिया में सबसे तेज 100 मिलियन कस्टमर जोड़ने वाली कंपनी बन गई है। काफी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होगा। वीडियो को आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में साझा करना है, शेयर करना है व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम पर, जहां पर भी आप चाहो या जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन हो तो वहां पे आपको इस वीडियो को शेयर करना है और हमें सपोर्ट करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। 16 अप्रैल को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है कि कल यानी 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है भारतीय रेल परिवहन दिवस। 16 अप्रैल को भारत में भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1853 में भारत में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली थी। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। आपको इसके बारे में सारे डिटेल्स तो ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप रेलवे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। मोहम्मद इश्ताए को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आपको बताना है कि मोहम्मद इश्ताए को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया
किया गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है फिलिस्तीन। मोहम्मद इश्ताय को हाल ही में फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्हें 24 मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति महमूद अब्बास के समक्ष शपथ दिलाई गई है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। इनकी फोटो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मोहम्मद इश्ताय जो कि फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8। अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स ने बैक नाइन रैली के साथ हाल ही में कौन सा मास्टर गोल्फ खिताब जीता। आपको बताना है कि कितने नंबर का उनका ये गोल्फ खिताब होगा। अमेरिका के फेमस यानी काफ़ी मशहूर गोल्फ खिलाड़ी है टाइगर वुड्स, उनका यह होगा 83वां मास्टर गोल्फ खिताब होगा। उनकी फोटो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स ने बैक नाइन रैली के साथ हाल ही में 83 यानी 83वां मास्टर गोल्फ खिताब जीता है और अपने करियर का 15वां खिताब होगा। काफी इंपॉर्टेंट ये होगा, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में जारी की गई ताजा WTA रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी टॉप 200 में पहुंच गई। आपको बताना है कि भारतीय महिला ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जो टॉप 200 में पहुंची है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है अंकिता रैना। इनकी फोटो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हाल ही में जारी की गई ताजा WTA रैंकिंग में भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना तेज स्थान के उछाल के साथ 203 नंबर से 180वें स्थान पर पहुंच गई है। अभी अंकिता रैना के 333 रेटिंग अंक है। काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, आपको पूछा जा सकता है कि अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा टेनिस इस खेल से संबंधित है अंकिता रैना। और यहां पे भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी टॉप 200 में पहुंच गई है WTA की रैंकिंग में। काफी इंपोर्टेंट होगा, आपको वीडियो को गौर से देखना और सुनना है और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप टेलीग्राम या फिर फेसबुक पर। देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10। कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2019 का आयोजन किस देश में किया गया है। आपको बताना है कि कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2019 का आयोजन किस देश में किया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है जर्मनी। जर्मनी के कोलोन में कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2019 का आयोजन किया गया है। इस बॉक्सिंग विश्व कप में 5 मेडल जीते जाते हैं। कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप को पहले केमिस्ट्री कप के नाम से भी जाना जाता था। अगर बात करेंगे जर्मनी की राजधानी यानी कैपिटल की, तो जर्मनी की जो कैपिटल है वह है बर्लिन और जर्मनी की जो करेंसी है वह है यूरो। काफी इंपोर्टेंट ये कंटेंट होगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11 जो कि कोलोन बॉक्सिंग से संबंधित ही है। तो कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2019 में भारत की मीना कुमारी ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है। काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन बनता है कि मीना कुमारी किस खेल से संबंधित है। तो उसका आंसर होगा बॉक्सिंग इस खेल से संबंधित है और यहाँ पे एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है मीना कुमारी ने। तो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है 54 किलोग्राम। कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप जो कि जर्मनी में हुआ है 2019 का, इसमें भारत की मीना कुमारी ने 54 यानी 54 किलोग्राम भार वर्ग में एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है और साथ ही युवा चैंपियन साक्षी ने 57 किलोग्राम भार वर्ग और सिल्वर मेडल जीता है। काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। देखते हैं और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। होम एक्सपो इंडिया 2019 ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है। होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट ग्रेटर नोएडा में खोला गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट यानी EPCH जिसकी एब्रिवेशन होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। काफी इंपोर्टेंट होगा और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शटलर हर्षिल दानी ने डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब जीता है। पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन हर्षिल दानी ने नीदरलैंड के द हेग में डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब हासिल करने के लिए डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफरेंस को हराया है। काफी इंपोर्टेंट होगा। देखते हैं नेक्स्ट और कुछ पॉइंट्स। वित्त वर्ष 2019 में बैंकों की 13.24% तक क्रेडिट वृद्धि रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट है जिसमें वित्तीय वर्ष 2019 में बैंकों के लिए अपेक्षाकृत मजबूत रूप से समाप्त हुआ है। उन्होंने वित्त वर्ष 2018 में 9.85% के मुकाबले वर्ष दर वर्ष 13.23% की वृद्धि दर्ज की है।
IDRBT ने बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के लिए 5G लैब की स्थापना की है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक शाखा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, IDRBT का लॉन्ग फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, जिसका आंसर होगा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए 5G इन फिफ्थ जनरेशन यूज केस लैब शुरू की है। तो यही था गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपको कमेंट जरूर से कर देना है, काफी सारे व्यूज होते हैं और कमेंट दो चार ही होते हैं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट जो है कमेंट्स करते हैं उनको मैं पर्सनली जानता भी उनके नाम से, तो आपको भी आने वाले वीडियोस में कमेंट करना है, इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है इस वीडियो में करंट अफेयर्स की वीडियो में और कितना सुधार किया जा सकता है ऑडियो वीडियो क्वालिटी में आप बता सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको इंक्रीज करना चाहिए, फोटोज हमको और डालना चाहिए, किस तरीके से आपको समझाना चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। कमेंट तो आपको एटलीस्ट करना ही है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच गाइज़।